हाय एवरीवन, मैं समन सिमरन। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल क्रिस्पी फिश फ्राई की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ मेरे पास है मछली, इसे मैंने धोकर काटकर साफ कर लिया है और आप देख सकते हैं इसके पीस इस तरीके के हैं, थोड़े से मोटे होने चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ मेरे पास है एक बड़ा चम्मच प्याज का पेस्ट, एक टीस्पून मेरे पास है लाल मिर्च का पाउडर, एक बड़ा चम्मच मेरे पास है यहाँ पे लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच मेरे पास है यहाँ पे हल्दी और चार बड़े चम्मच सरसों का तेल। तो आइए चलते हैं रेसिपी के तरफ। तो सबसे पहले एक बाउल ले लें, उसमें हम डाल देंगे स्पाइसेस को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर को डाल दिया है, अब इसमें डाल दें लाल मिर्च पाउडर, अब इसमें डाल दें नमक और ये प्याज का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट, और हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच तेल। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए एक मैरिनेशन बनकर तैयार है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी धीरे धीरे फिश के पीसेस को, सारे पीसेस को डाल दें। यहाँ करीब मेरे पास 7 से 8 पीस हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से इन्हें मैरिनेट कर लें इस मैरिनेशन के साथ, किनारों पर भी लगा दें। ये देखिए फिश अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसे रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, ताकि इसमें मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, फिश ने मैरिनेशन को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब चलते हैं इसे फ्राई करेंगे हम। तो फ्राइंग के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने पैन को गर्म कर लिया है हाई फ्लेम पे। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें, इसे चारों तरफ पैन पे फैला लें। फिश फ्राई को हमेशा नॉनस्टिक के बर्तन में ही बनाएं। देखिए ऑयल स्मोकी हॉट हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी फिश के पीसेस को। इस स्टेप को आप थोड़ा केयरफुली करें, कई बार ये छिटकता है। मैरिनेशन को अच्छे से इस पे डालते जाएं। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। करीब 1 मिनट हो चुके हैं इसे इस तरफ से पकते हुए, तो मैं इसे पलट लूंगी। अब हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे दोनों ओर से लाइट ब्राउन होने तक पलटते हुए पका लेंगे। करीब 1 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसमें 1 चम्मच और तेल डाल दूंगी और इन्हें अब हम पकने देंगे। करीब 2 मिनट बाद हम इसे पलट लेंगे। अब मैं इन्हें पलट लूंगी। ये देखिए इनमें कलर आने लगा है। दूसरे साइड से भी इस तरीके के कलर आने तक हम इसे पकने देंगे। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए करीब 3 मिनट हो चुके हैं और दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल कलर आ चुका है। तो अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। तो यहाँ मैंने एक सर्विंग प्लेट ले ली है, अब मैं इसमें फिश फ्राई को सर्व कर दूंगी। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा बना है। तो बनकर तैयार है फिश फ्राई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, नीचे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।